मानसून से पहले अगर हम बात करें तो नालों की सफाई हो जाती थी। जब कांग्रेस के कार्यकाल हुआ करता था तो जनता कहती थी नाले हमें इस तरीके से चाहिए कि तला नजर आना चाहिए। बाबरपुर रोड से लेकर के और शारदा चौक तक नालों की सफाई की जा रही है। क्या सफाई हो रही है वो तो सब जानते ही हैं। चुप बैठे हैं यहाँ के, मैं तो ये कहूँगा कि मार्केट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हमारे बीच में पार्षद कुसुम तोमर जी हैं, इनके क्षेत्र के अंदर भी PWD के ये नाले आते हैं। मैडम क्या कहना चाहेंगी इन सफाई को लेकर के? देखिए हमारे वार्ड के तीन तरफ PWD के नाले हैं और पिछले 5 साल से जब से मैं चुन के आई हूँ, 5वीं साल चल रही है, लगातार हम PWD के लोगों को लेटर लिख रहे हैं, उनके अधिकारी हमारा फ़ोन नहीं उठाते हैं, कोई कहीं सुनवाई नहीं है। उनके कारण पूरा लोनी रोड जाम हो जाता है, जिसके कारण कि पूरे बाबरपुर बलवी नगर में जल भराव की समस्या हो जाती है। दूसरा हमने, आप ये बाबरपुर रोड पे आप एक बार कैमरा अपना चलाना, आप नालियों की हालत देखना, जब भी सफाई की बात आती है खाना पूर्ति करते हैं, एक जगह यहाँ से निकाल दिया, एक आधे किलोमीटर से निकाल दिया, उधर से निकाल दिया और चलते बनते हैं। मैडम कांग्रेस के समय में भी नाले साफ होते थे तो जनता तला देखना चाहती थी कि तला नजर आना चाहिए। देखिए मैं आपको बताती हूँ, बचपन में हम लोग जो छोटे थे ना जी, तो इसमें इतना सिर्फ पानी दिखता था और हम छोटे बच्चे थे तो हम इसमें नाव चलाया करते थे जी। जब हम छोटे थे तो इसमें हमने कभी कूड़ा देखा ही नहीं कि कूड़ा क्या चीज़ होता है। आप ये समझ सकते हैं कि प्रतिदिन हम PWD के लोगों को भी संपर्क में करें, प्रतिदिन 20 से 25 लोगों के फ़ोन हमारे पास गंदे पानी के लिए आते हैं, 20 से 25 फ़ोन ही सीवर ओवरफ्लो के लिए आते हैं। आज सुबह से भी मुझे कम से कम 10 फ़ोन आ चुके हैं कि हमारे सीवर ओवरफ्लो हैं, लेकिन दिल्ली सरकार के बिल्कुल भ्रष्ट और कामचोर कर्मचारी ना तो हमारा फ़ोन उठाते हैं ना हमारी किसी बात को सुन के राजी हैं। जिस तरीके से तीनों तरफ हमारे वार्ड के PWD के नाले हैं, उसके कारण हमारी जो NCT की नालियाँ वो बैक मारती है, क्योंकि नाले ऊपर तक भरे हुए हैं, पानी में चल नहीं रहा, कूड़े का ढेर है। मैडम सामने मानसून है वो नजर आ रहा है, इस हिसाब से तो वार्ड डूबेगा, गली बिल्कुल वार्ड डूब रहा है। और आप ये देखिए कि खेड़े पे एक पंप है इन लोगों का, पंप पे आपको कोई आदमी नहीं मिलेगा। मैं कई बार वहाँ की विजिट कर चुकी हूँ, कई बार मैं बोल चुकी हूँ, लेकिन वहाँ पर कोई आपको आदमी नहीं मिलेगा। वो कहते हैं कि मैडम हम कूड़ा थोड़ी ना चलाएगी, मोटर पानी चलाएगी, अब पानी उसमें है नहीं, कूड़े कूड़ा भरा पड़ा है। मैडम कम से कम बाबूपुर रोड से लेकर के शारदा चौक तक 2 किलोमीटर तक का ये क्या नाम है नाला लगता है दोनों साइडों का। मार्केट एसोसिएशन के अध्यक्ष वो चुप बैठे हैं? बिल्कुल, ये तो मार्केट के लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि जब हम बोलते हैं तो कहते हैं जी राजनीति हो रही है। ठीक है, आप MCT के नालियों की बातें करते हो, PWD के नाले, और मैंने कई बार तीनों मार्केट के लोगों से बात करी है कि आप आइए सड़क पर आइए, नहीं सुनवाई हो रही तो आप लोगों की हमारे साथ खड़े हुए, हम आपके साथ खड़े हुए हर बात में। कहीं ना कहीं राजनीति के चक्कर में विकास पीछे छूटता जा रहा है। विकास की तो बात ही मत करो, कौन से विकास की बात कर रहे हो, ना तो उन्होंने खुद कुछ करा यहाँ पर और ना MCD को करने दिया फंड रोक करके। वो चाहते नहीं कि दिल्ली की जनता का विकास हो, वो बस ये चाहते हैं कि दिल्ली की जनता को हम गुमराह करते रहें फ्री बिजली पानी के चक्कर में। इसके अलावा कुछ विकास नाम की कोई एक ईंट नहीं लगी है बाबरपुर वार्ड में। अपने वार्ड की बात कर रही हूँ मैं, MLA के फंड से बाबरपुर वार्ड में एक ईंट नहीं लगी है। मैडम ऐसे में नालों की सफाई का टेंडर हो जाएगा, पैसा आपस में ही बंदर बांट हो जाएगा। अरे मैं आप उसकी बात कर रहे हो, ये बाबरपुर रोड नाले के लिए तो लोगों ने इसका उद्घाटन कर दिया, बकायदा फेसबुक पर फोटो आई, उद्घाटन कर दिया, नाला बन रहा है, टेंडर हो गया, सब कुछ हो गया, और पता नहीं वो कागजों में ही बन गया, वो बना ही नहीं। तो ये थे हमारे बीच में कुसुम तोमर जो निगम पार्षद है बाबूपुर से, इन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि नाला यहाँ पर बना नहीं और खाना पूर्ति ही हो रही है। मैं सवाल उठाना चाहूँगा और उनको भी कटघरे में खड़ा करना चाहूँगा जो ये आम आदमी पार्टी के भक्त बने बैठे हैं, उन्हें नज़र नहीं आता कि नाले पे किस तरीके से डीशीटिंग का कार्य नज़र हो रहा है, केवल और केवल राजनीति के चक्कर में, केवल और केवल राजनीति के चक्कर में वार्ड का नाश हो रहा है, केवल और केवल राजनीति के चक्कर में विकास ठप हो रहा है, सोचना आप लोगों को होगा। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ राहुल शर्मा, भारत TV के लिए।